और महोदय, जाति के नाम पर फिर इन्होंने क्या किया है? मुझे दूर मत करिए, ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी का माया जाल, 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। ये है राजभर जी, देखिए एक कमाल, एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं, ये देखो 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं, यही है इनका सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए, फ्लोर में, फ्लोर ऑफ हाउस के, सदन के फ्लोर पे ही हम इसको टेबल करेंगे। हो गया टेबल, अध्यक्ष महोदय वो टेबल हो गया ना, आपने जो बात, पेपर नहीं चाहिए मुझे, मैं सूची चाहता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, वो तो जिससे पूरे सदन की जानकारी में आ जाए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है, 56 सेलेक्ट और उनकी सूची मुख्यमंत्री जारी कर, बोला तो उसका है। समय के युवाओं के साथ क्या भेदभाव होता था? कौन सा ऐसा आयोग था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, पुलिस की भर्ती, और कौन कौन सी भर्ती होती थी उस समय क्या होता था? किसी से छुपावा नहीं है, हाँ उसी में लेखपाल दिन सेवा चयन आयोग में ये सब होता था जी, उस समय हो जाता था। और सचमुच महोदय उस समय की जो स्थिति थी, उस समय तब फिर मुझे बहुत, यानी उत्तर प्रदेश की जनता के पुरुषार्थ पर मुझे वास्तव में गौरव की अनुभूति होती है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2014, 2017, 2019, 2022 में बार बार जनादेश देकर के इस बात को, आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या होता है? के लिए कह रहे हो, दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा देखिए थोड़ा। मैं तो बहुत उसके साथ बता रहा हूं आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूं, मैं उसका एहसास करा रहा हूं कि बार बार, देखिए संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है जनता का जनादेश, और दूसरा पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है दूसरा देश और दुनिया का विश्वास। ये जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, जनादेश के अलावा ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण हो सकता है। और आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था, तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट? दिल्ली में और मुंबई में। तो पूछा जाता था भाई वहां क्यों कर रहे हैं, कहा साहब यूपी में कौन आएगा? तो जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आना चाहता है, तो क्या वे निवेश करने के लिए आएंगे? ये लोग यही करते थे और यही करते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।